नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल एट 11। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दे रहे हैं। सरकार से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है, ये कहना है पूर्व सीएम का। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ये मांग उन्होंने की है। राज्यपाल सरकार का लिखा अभिभाषण ना पढ़े, लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही। प्रदेश में आगजनी हुई, लूट हुई और सरकार सोती रही। एसवाईएल को लेकर पंजाब सरकार पर भी पूर्व सीएम ने निशाना साधा है। कपास की फसल के मुआवजा देने में भी सरकार गड़बड़ी कर रही है, ये आरोप पूर्व सीएम लगा रहे हैं। सफेद मक्खी से खराब हुई थी कपास की फसलें, जिसके बाद इसको मुद्दा बनाया है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और सीधा निशाना सरकार पर। हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू इस वक्त चंडीगढ़ में है और उनके साथ में मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं इस वक्त हूं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, जिनसे बात करेंगे कि विधानसभा सत्र में कांग्रेस अपनी कौन सी रणनीति के साथ आ जाएगी, किन मुद्दों पर कांग्रेस का ज्यादा जोर रहेगा, क्या रणनीति लेकर कांग्रेस जाएगी, क्योंकि आप भी बैठकें पार्टी कर चुकी है, और किन मुद्दों पर कांग्रेस का जोर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो राज्यपाल जी का अभिभाषण है, उसके लिए हम राज्यपाल जी को मिले थे और हमने निवेदन किया था कि वो हरियाणा के राज्यपाल हैं, पंजाब का उनके पास चार्ज है। तो पंजाब में जाके अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे, और अब ये आज ये पढ़ेंगे हम एक एक बूंद लेके रहेंगे। तो ये जो लिखा हुआ भाषण वो ना पढ़े, क्योंकि ये सरकार जो है, इस सरकार से लोगों का विश्वास उठ चुका है। हम मांग कर चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन किया जाए, विधानसभा को भंग किया जाए। जिस प्रकार से जो ये जाट आरक्षण के बाद जो हिंसक हुई, बार बार मांग करें सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी कराई जाए ताकि सही दोषी तक पहुंचाया जाए। ये झिझक रही है और ये जो अपनी असफलताओं पर विपक्ष के नेताओं के सिर पे ठीकरा फोड़ना चाहती हैं, तो ये सरकार के प्रति लोगों का विश्वास उठ चुका है। तो ऐसी सरकार का लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ना चाहिए, हमने उनसे कहा नहीं। लेकिन कांग्रेस के द्वारा ये कहना कि अगर आप अभिभाषण पढ़ेंगे तो हम लोग वॉकआउट करेंगे, तो अगर पहले ही दिन वॉकआउट हो जाएगा और इस तरह की चीजें हम देखेंगे तो फिर जो कार्रवाई है वो कैसे चलेगी। राज्यपाल जी ने ये हमारे से पूछा था कि कभी ऐसा हुआ है राज्यपाल हमारे भाषण ना पढ़े, हमने कहा हुआ है। बंगाल में धर्मवीर जी राज्यपाल थे, जब वो ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया था। तो राज्यपाल जी का भी से भी हमारा यही निवेदन है कि वो बड़े वरिष्ठ आदमी हैं कि ऐसा भाषण ना पढ़े ऐसी सरकार का, ताकि क्योंकि वो हर बात पे ही कहेंगे मेरी सरकार, पंजाब में भी कहा मेरी सरकार और वहाँ कुछ यहाँ कुछ। क्योंकि ये मुद्दा जो ऐसा, एक तो जो प्रदेश में जो हालत हुए, जिस प्रकार से लोग मारे गए, आगजनी हुई, लूट हुई और सरकार सोती रही, आज किसी का भी देखो, आज जो एनजीओ हैं उनकी भी, और किसी की रिपोर्ट पढ़ के देखो, सरकार होम सेक्रेटरी खुद मान रहे थे कि सरकार विफल हुई है। इस प्रकार से डीजीपी खुद कह रहे हैं और ये मान रहे हैं। तो ऐसी सरकार का अभिभाषण पढ़ने का, कोई लिखा हुआ भाषण पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा एसवाईएल का मुद्दा है, जो कि हरियाणा की जीवन रेखा है और सुप्रीम कोर्ट में उसका बहस जारी है। बहुत अच्छी हमने हमारे समय में तैयारी हुई वो, जब मैं सांसद था जब राष्ट्रपति का उसमें रेफरेंस दिया गया, इतने साल से पेंडिंग है वो, और बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत बढ़िया बहस हो रही है और पहले भी बहुत मेहनत से। अब मैं कह सकता हूँ कि मैं भी वकील रहा हूँ, तथ्यों के आधार पे हरियाणा की जीत दिखाई दे रही है। इस वास्ते पंजाब वालों ने ये जो जमीन की डी एक्विजिशन की बात कही है वो असंवैधानिक, अनैतिक और नामुमकिन बात कही है, क्योंकि वो जमीन का जो पैसा है
वो हरियाणा सरकार ने दिया, और इस प्रकार से रख गया तो ये संघीय ढांचा जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो उसमें ऐसी ऐसी बातें नहीं चलती हैं। आज फिर तो कोई भी प्रदेश अपने यहाँ से दूसरे के पानी नहीं जाने देगा, फिर कोई सड़क पे ऐसी बात कहने लग जाएगा, तो संघीय ढांचे को मतलब एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसी वास्ते राज्यपाल जी को हमने ये भी कहा है कि वो जो बिल लेके आए उसको निरस्त करें, उसको मंजूरी ना दे, और पंजाब वालों से कहें भी ये बिल ना लेके आए। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको लगता है कि अभी जैसे किसान को फिर मार पड़गी, और जो जिनका नुकसान हुआ है, जो मरे हैं, जो जिनकी दुकानें जली हैं, उनका मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए। वो बेचैन है बेचारों को, बहुत कई हुआ धंधा खराब हो गया, और अब फिर अभी ओलावृष्टि हुई है और उससे जो सरसों और गेहूं का नुकसान हुआ है उसकी तुरंत गिरदावरी करें, कंपनसेशन दे। अब जो इसका सफेद मक्खी का था, व्हाइट फ्लाई का, वो भी कंपनसेशन में डांडी मार रही है सरकार। पता नहीं किस किस्म की सरकार है ये। क्योंकि SYL का मुद्दा काफी अहम है, और तीनों जगह अगर हम देखें, सेंटर में बीजेपी, पंजाब में अकालियों के साथ बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, तो ऐसे आपको लगता है कि इस मुद्दे पर तो अब सेंट्रल लीडरशिप को कोई बहुत बड़ा स्टैंड लेना चाहिए, या फिर ये 2017 में पंजाब में होने वाले इलेक्शंस, क्योंकि अकाली बीजेपी की मजबूरी है, कहीं उसकी भेंट ना चढ़ जाए। वही मैं कह रहा हूँ ना, आज तो कोई मतलब यहाँ पे भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, पंजाब में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो ये जो है चुनाव देख के जो फैसला ले रहे हैं, तो केंद्र को भी तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। एक तो इसका मतलब SYL का मुद्दा, दूसरा आंदोलन और उसके पीछे जो कुछ हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो विधानसभा में ये जो मुद्दे हैं ये काफी अहम, और किसानों का जो अभी चल रहा है ये काफी अहम है, जो आपकी पार्टी द्वारा उठाए जाएंगे। बिल्कुल ज्यादा जो क्योंकि ये सरकार हर मोड पे हर उस पर विफल रही है, अपनी विफलताओं को जो है छिपाने के लिए जो है लोगों का ध्यान आकर्षित और मुद्दों पे करना चाहती है, लेकिन हमारे ध्यान इन्हीं पे केंद्रित रहेगा। क्योंकि सरकार का तो ये कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र था, और आपका कहना है कि सिटिंग जज से इंक्वायरी हो जाए। हमारे तो यही है, सिटिंग जज से दोषी तक क्यों नहीं पहुंचना चाहते? ये कभी ऐसा हुआ है? ये कोई एक एक माइनर सा इंसिडेंस है क्या जो हरियाणा में कभी हुआ नहीं? NGOs की रिपोर्ट पढ़े, आप कितने ही आते हैं, रोज यही मांग कर रहे हैं, इस प्रकार की आवाजें उठ रही हैं, फिर भी ये इनको क्या संकोच है, क्यों झिझक रही है सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिए? ताकि इनको खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनके तरफ उंगली उठ रही है। अच्छा, सर्वदलीय बैठक से कांग्रेस का किनारा क्यों? क्योंकि बीजेपी कह रही है क्योंकि कांग्रेस शायद बैकफुट पर है या अपनी रणनीति में उलझी हुई है, इसलिए उन्होंने सर्वदलीय बैठक से किनारा कर लिया। आपका क्या? हम जब इस सरकार के डिसमिसल मांग चुके, राष्ट्रपति शासन मांग चुके, और इस सरकार पर लोगों को विश्वास ही नहीं है, और ये अंदर कुछ है, और मुद्दे जो SYL का हमने कह दिया भाई वो तो प्रदेश के हित का है, जो भी प्रस्ताव ला के हम करेंगे। दूसरा जाट आरक्षण का मुद्दा है, 19 तारीख की मीटिंग में कह दिया था हम लेके आएंगे ये, फिर किस वास्ते बुला रहे हैं? और जब ये सरकार का लोगों का विश्वास ही उठ चुका है सरकार से, तो इससे मतलब क्या है? चलिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये मानना है कि हम ऑलरेडी ये मांग कर चुके हैं कि सरकार क्योंकि हर फ्रंट पर फेल रही है, इसलिए सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पर बात करना बेमाने है, तो बेटर यही है कि जो अहम मुद्दे हैं उन पर सरकार अपनी पोजीशन को क्लियर करे, और जिस तरह से लगातार ये डिमांड करते रहे कि एक सिटिंग जज से पूरे मामले पर, जो आंदोलन की आग में हरियाणा झुलस गया, उसमें एक इंक्वायरी होना बेहद जरूरी है, और वो जुडिशियल इंक्वायरी जिसकी मांग इतने समय से हो रही है और बीजेपी के अपने मंत्री भी कर चुके हैं, उस पर सरकार खामोश क्यों है? ये खामोशी बहुत कुछ कहती है, यकीनन इस पर सबकी निगाहें। चलिए एक बार फिर चलते हैं सीधा मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू के पास। पूर्व स्पीकर और कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा इस वक्त उनके साथ मौजूद है। नवजोत, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप?
जी भुवन, सुन पा रही हूँ। जी अभी हमने सुना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, इस वक्त आपके साथ कुलदीप शर्मा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी, हाँ बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूं कि विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है, 2 बजे सत्र शुरू होगा, उसको लेकर राजनीतिक गहमा गहमी हम यहां पर सुबह से ही देख रहे हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आज गरमाए हुए हैं, इसीलिए इसके बावजूद की बारिश हुई है, लेकिन चंडीगढ़ का जो एक माहौल है उसमें आप गर्मी यानी कि सियासत की गर्मी आप जरूर महसूस कर सकते हैं और ये तपिश आप स्टूडियो में बैठे भी महसूस कर रहे होंगे कि जितना राजनीतिक माहौल यहां पर गर्माया हुआ है। मेरे साथ कुलदीप शर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे। कुलदीप जी, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूंगी कि विधानसभा का सत्र है, पहला दिन है, आक्रामक रूप में कांग्रेस दिखाई दे रही है, वो कल जो बैठक हुई, राज्यपाल को आप मिले, ज्ञापन दिया, उसमें ही काफी कुछ चीजें निकलकर बाहर आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए परिस्थिति बिल्कुल साफ है और हमने अपनी स्थिति को भी लोगों के सामने पहले ही साफ कर दिया है। हम हरियाणा में संविधान के संरक्षक और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि माननीय राज्यपाल महोदय से कल मिले थे, सभी कांग्रेस के विधायक, और हमने उनको कहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा की जनता की जान माल की सुरक्षा करने में पस्त हो गई और अपने राज करने में मस्त हो गई, ऐसी परिस्थिति में ये सरकार जिसके समय में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन कर गया हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी चरमरा गई हो, ऐसी सरकार को न तो नैतिक, न ही मौलिक और न ही संवैधानिक अधिकार है कि वो सरकार में रहे। ऐसी सरकार को माननीय राज्यपाल महोदय से हमने ज्ञापन के माध्यम से इसको डिसमिस करने के लिए कहा है और हमने कहा है कि ऐसी सरकार जो कि जनता में अपना विश्वास खो चुकी है, जो संवैधानिक सत्ता का अधिकार खो चुकी है, ऐसी सरकार के द्वारा लिखा गया और आपके द्वारा पढ़ा जाने वाला भाषण आप विधानसभा में न पढ़ें, इससे जो जो गलत फैक्ट्स या गलत बयानी ये सरकार कर रही है, जो छुपा रही है तथ्यों को, वो सामने नहीं आ पाएगा और माननीय राज्यपाल महोदय की स्थिति भी इसमें हास्यास्पद दिखाई देगी। वो कहेंगे कि मेरी सरकार ने ये किया और मेरी सरकार ने ये किया। मैं ये पूछूंगा कि आपकी सरकार ने लोगों की जान माल की सुरक्षा क्यों नहीं की, मुख्यमंत्री क्यों नदारद रहे, मंत्री क्यों नदारद रहे, अफसरशाही क्यों नदारद रही, क्यों आपकी ही सरकार के लोग कह रहे हैं कि सरकार हाईजैक हो गई, क्यों आप ही के लोग ये कह रहे हैं कि हिंसा करिए, रास्ते रोकिए, आप ही के मंत्री अपने विवादास्पद बयानों की वजह से आज सरकारी लोगों के कटघरे में हैं, इस सारी परिस्थिति को सामने जनता के सामने। लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था और उसका निशाना कहीं ना कहीं नेहलो और कांग्रेस यानी विपक्षी दोनों पार्टियां बीजेपी की के निशाने पर। ना इधर उधर की बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनी का नहीं मलाल तेरी रहबरी का सवाल था, सरकार तुम्हारी है, लोग लूट लिए गए, घर जला दिए गए, निर्दोष लोग मारे गए और सवाल कांग्रेस पर उठा रहे हैं, सवाल भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों पर उठा रही, इंडियन नेशनल लोकदल का जहां तक सवाल है, इंडियन नेशनल लोकदल आज भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनी हुई है और एक हाथ वो एक इंफॉर्मेशन करता है, दूसरा कार्रवाई करता है, आपस में मिले जुले लोग हैं, इनके जो भी आरोप प्रत्यारोप हैं वो एक नूरा कुश्ती आपस में चला रहे हैं। लेकिन कुलदीप जी, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो हरियाणा की जनता हरियाणा जलने के बाद अब भी देख रही है, इसीलिए दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मैं पाक साफ हूँ, किया है तो तूने किया है, सभी राजनीतिक दल यही कर रहे हैं, जवाब ये है कि गुनहगार कौन है हरियाणा? जो कही गई ना मुझसे वो जमाना कह रहा है, मैं कहूँ ना कहूँ सारा हरियाणा कह रहा है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, बताना तो पड़ेगा कि गुनहगार कौन है। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, कई तंज कसे जाएंगे इन गालों की तरफ, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, लोग जालिम है खुद ही समझ जाएंगे। क्या बात है, हरियाणा की खामोशियां बहुत कुछ बयां करती हैं और नेताओं की बयानबाजी भी बहुत कुछ कहती है, फिर भी सवाल है कि हरियाणा का असली गुनहगार कौन है? हरियाणा का असली गुनहगार यहाँ और सितमगार यहाँ की सरकार है,
जो जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास सेना थी, जिनके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, जिनके पास हरियाणा की पुलिस थी, जो मुख्यमंत्री थे, जो सरकारी अफसर थे, जो मंत्री थे, यहाँ की सरकार इसके लिए दोषी है। किसी और जब एक इलाके में, मैं एक वकील रहा हूँ, एक इलाके में चोरी होती है, डकैती होती है और उसको थानेदार या SP रोक नहीं पाते, उनका तबादला कर दिया जाता है। इस सरकार का तबादला कर दिया जाए, अफसरों के बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ का इस सरकार का पायलट बदलो, वैसे तो इस सरकार को ही बदलो, हमने तो सरकार के डिसमिसल, लेकिन जो सरकार के पायलट हैं उनको बदलने के लिए जो साजिश रची गई, इस सरकार के मंत्रियों द्वारा रची गई, इस सरकार के अंदर बैठे महत्वाकांक्षी लोगों ने खट्टर साहब को उनकी कुर्सी से हटाने के लिए जो हरियाणा में ये प्रपंच रच दिया, हरियाणा जल गया, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, ये कहावत यहाँ चरितार्थ हो गई। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का जो एक ऑडियो स्टिंग आया, उसको लेकर क्या कांग्रेस अपने आप को कहीं ना कहीं बैकफुट पर महसूस करती है या कहीं ना कहीं कटघरे में खुद को पाती है? देखिए, क्योंकि प्रोफेसर वीरेंद्र का मामला माननीय अदालत में पेंडिंग है, मैं एक वकील हूं, मैं जानता हूं, जब भी कोई मामला सब जुडिस हो और जिस पर आज ही जजमेंट आना हो या कोई भी उस पर कार्रवाई होनी है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकरण पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी एक वकील होते हुए मैं नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कानूनी प्रक्रिया को, मैं देश के कानून का आदर करता हूं, देश के कानून ने इस बात का संज्ञान लिया हुआ है और कानून इसका फैसला करेगा। चलिए बेहतर। अच्छा, आपने ये एक और बम फेंका और आपने कहा कि आपके फोन टैप हो रहे हैं। मैंने और मेरे साथी 14 विधायकों ने ये लिखकर माननीय राज्यपाल महोदय को कल दिया है कि हमारे फोन टैप हो रहे हैं। हमने राज्यपाल महोदय को अपने सोर्सेस भी बता दिए। अब माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा है कि वो सारे प्रकरण की जांच करवाएंगे, हमें इस बात का आश्वासन दिया है, और वो जांच करवाएंगे तो परिस्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जुड़ा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं रही। जब हम राज्यपाल निवास से बाहर निकले उस समय एक IB का और हरियाणा की CID के दो जवान हमारी CID कर रहे थे, और जब हमने उनको पकड़ लिया तो हाथ छुड़ाकर भागे, वो बात सारी कैमरे पर आ गई। जब विधायकों की CID हो रही हो तो सिसिफोन की टैपिंग में कौन सा बड़ी बात दिखाई देती। लेकिन मुझे तो एक बहुत गंभीर बात दिखाई दे रही, न केवल हमारी, मुझे लगता है राज्यपाल महोदय की CID हो रही, उनके घर के बाहर IB और हरियाणा की CID के जवानों की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि इस लोकतंत्र के अंदर जो हम लोगों को मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी इंफ्रिंजमेंट हो रही है। ये देश के संविधान का प्रश्न है, हम कौन सा बॉम्ब बना रहे हैं कि हमारी बात टेप करके हमारा चालान कर दें। यानी कि आपने ये जो अंदेशा जताया वो ये है, इन वन लाइन अगर मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं, कि पूरे किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश हो रही है, प्रोफेसर वरिंदर के साथ कहीं ना कहीं लिंकअप करने की चीजें हो रही है, कुछ ऐसा आपको लगता है? मुझे तो किसी के साथ कहीं लिंकअप कर लीजिए, हम किसी की परवाह नहीं करते हैं, हम अपने दामन को साफ रखते हैं, अपनी सोच को साफ रखते हैं, इनके लिंकअप करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये क्या कांग्रेस कर रही है, क्या कांग्रेस करने जा रही है, इन सारी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए फोनों की टैपिंग कर रही है। अच्छा, एक रामविलास शर्मा कैबिनेट मंत्री, उन्होंने एक बड़ी बात कही मुरथलपुरे के मामले पर, क्योंकि अभी जांच नहीं बिठाई गई है, सरकार इसको मानने से मना कर रही थी। रामविलास शर्मा ने कहा कि जस्टिस सांगी ने मरने से पहले जब उनसे बात हुई तो ये कहा कि कुछ अहम तथ्य उनके हाथ लगे हैं। वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? सर्टेनली। देखिए, ए पायस सोल हु वाज जज ऑफ द हाई कोर्ट, जो हरियाणा के हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश थे, उनके चले जाने के बाद मैं नहीं समझता कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई उनको कोट करना चाहिए, इसमें कोई नैतिकता नहीं है। मैं भी उनको जानता था, अगर माननीय न्यायाधीश महोदय ने उनको कुछ बातें बतलाई हैं तो सामने बताएं क्या बातें हैं, सिर्फ क्यों छुपाया हुआ है, किस बात को छुपा रहे हैं। लेकिन एक न्यायाधीश महोदय मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था कि रामविलास जी को बातों को घड़ने की आदत है, तो उनका कभी विश्वास ना करना। तो इसलिए उनको किसी न्यायाधीश महोदय ने क्या बताया है और क्या जरूरत थी कि एक न्यायाधीश महोदय उनको बताएं कौन से ऐसे संविधान की ऐसी प्रक्रिया से, कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे थे कि एक हरियाणा के मंत्री को वो अपने मन की बात कह रहे थे। इस प्रकार की कॉन्ट्रोवर्सी में एक
जो इस दुनिया में नहीं है माननीय न्यायाधीश महोदय, उनको खींचकर ले जाना, ले जाने की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर रामविलास शर्मा को चीजें सामने रखनी चाहिए। अगर ऐसा है तो रामविलास शर्मा जी को सदन में बोलना चाहिए कि उनको माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या ऐसी बातें बतला दी। अच्छा, विधानसभा सत्र में इन वन लाइन आई वुड लाइक टू आस्क, अब कांग्रेस किन मुद्दों पर ज्यादा जोर देने वाली है? देखिए, साफ सी बात है, हरियाणा लुट गया, हरियाणा जल गया, निर्दोष लोग मारे गए, सरकार 35 बिरादरी और 36 बिरादरी के प्रश्न इस सरकार के लोग उसको हवा दे रहे हैं। जात अंग्रेज ने धर्म के नाम पर देश को बांटा, ये जाति के नाम पर इस देश को बांटने की जो सियासत गोधरा और मुजफ्फरनगर कांड को हरियाणा में परिणत करके उसकी करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, इस बात को हम हरियाणा के सदन के माध्यम से लोगों के सामने लेकर आएंगे कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मूक दर्शन बनकर सलाह कर आरएसएस की राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संघ ने इस बात की सारी संरचना करके हरियाणा के लोगों के दिलों को पाटने की कोशिश की है, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने की कोशिश की है, ये सारी बात हम सदन में लेके आएंगे। दूसरी बात, सरकार किस प्रकार से विधेयक लेकर आ रही है, इस बात पर सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है। मंत्री कुछ कहते हैं, दूसरे मंत्री कुछ कहते हैं, विधायक कुछ कहते हैं, घमासान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के, पैंतरे बदलते हैं, गिरगिट की तरह सरकार रोज रंग बदल रही है, कभी कुछ कभी कुछ। हम ऐसी सरकार का विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक विधेयक सदन में ना आए और उस पर चर्चा करने के लिए सरकार सामने ना आए। एक बात जो महत्वपूर्ण आ रही है वो ये है कि सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। और आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सरकार पर कोई कंट्रोल नहीं, अपने मंत्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के रूप में काम नहीं कर रही, डिफरेंट दिशाओं में खींच रहे घोड़ों की बग्घी बन गई है भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए हरियाणा की जनता देख रही है। दूसरा विषय है हमारे सामने SYL का। SYL हरियाणा की जीवन रेखा है, हरियाणा के लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, कई बार मामला कानूनी दाव पेचों के अंदर उलझ के रह गया। पंजाब में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी, राज्यपाल महोदय ने पंजाब की सरकार द्वारा लिखा गया संभाषण वहां की विधानसभा में पढ़ा। राज्यपाल महोदय के पास केवल मात्र टेम्परेरी चार्ज है पंजाब का, वो हरियाणा के राज्यपाल है, इसलिए उनको वहां ये भाषण नहीं पढ़ना चाहिए था, हरियाणा के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए हमने कहा है कि माननीय राज्यपाल महोदय, आपका लिए संभाषण इस हरियाणा की विधानसभा में ना पढ़िए, आपने पहले ही पंजाब के साथ शामिल होकर हरियाणा के हितों को कुठाराघात किया है राज्यपाल होते हुए, इसलिए हम आपके संभाषण का भी विरोध करेंगे, सरकार द्वारा लिखा पढ़ा गया भाषण हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन फिर सर्वदलीय बैठक से दूरी बनाए रखने का क्या मतलब है? बैठक में ऐसी सरकार के साथ कौन बैठेगा जो अंदर कहती है कुछ और बाहर कहती है कुछ, जिसके पास ना कोई प्रारूप है ना कोई प्लान है, और लोगों को भ्रांति में रखने के लिए अपनी बात को इधर से उधर करती है। ऐसी सरकार के साथ बैठने के लिए हम तैयार नहीं है। उनके साथ ही बैठे थे इंडियन नेशनल लोकदल के सहपाठी, उनकी बी टीम के लोग उनके साथ बैठकर मंत्रणा तो कर रहे थे, और आप पूछेंगे हम उनसे सदन में कि ये तुम्हारी दोस्ती जो है ये कितने दिन चलेगी? उन्होंने कहा मुझे कि जो ये दोस्ती है ये लंबा सफर है, दोस्त बना के चलो, दिल मिले ना मिले हाथ मिला के चलो, टेबल के नीचे हाथ मिलाया हुआ है, दिल मिलते नहीं है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, लेकिन असलियत ये है भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल एक जबान में बोलते हैं, एक आरोप लगाता है, दूसरा इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, दूसरा आरोप लगाता है, तीसरा इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, मिली जुली नूरा कुश्ती चला रहे हैं। आपकी पार्टी में सबके हाथ मिले हैं कि नहीं मिले? हमारे दिल मिले हुए, हाथ नहीं मिलाते, हम दिल मिलाते हैं। दिलों में फर्क नहीं है? दिलों में फर्क कहाँ होगा। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुद्दा जो प्रमुखता से हम उठाएंगे वो है कि हरियाणा के अंदर जो भारी ओलावृष्टि हुई है, बेमौसमी बारिश हुई है, तेज सर्द हवाओं ने गेहूं की फसल को बिछा दिया है, कहीं 100%, कहीं 70-80% नुकसान हुआ है। हम इस पर एडजर्नमेंट मोशन भी हरियाणा की विधानसभा में लेके आएंगे। पिछले 3 फसलों से हरियाणा का किसान उजड़ रहा है, लेकिन ये सरकार किसान की तरफ देख नहीं रही, और इस अनदेखी के चलते हरियाणा में किसानों का दुख जो दिन पर दिन मर्ज बढ़ता रहा है, उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है कि इस गेहूं की फसल के ऊपर आज लगता है केवल सरकार नहीं, कुदरत भी किसान के खिलाफ इन लोगों की वजह से हो गई है। इस
इस सारी लड़ाई के लिए हम सदन के अंदर ये कहेंगे कि किसानों को मुआवजा दे, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह की बंदर बांट और अपने लोगों को देने का मुआवजा जिस प्रकार से सरकार ने मुआवजे देने में हेराफेरी की थी, घोटाला किया था, उस प्रकार का मुआवजा हमें नहीं चाहिए। जिस प्रकार से खरीफ कपास की फसल पर इस सरकार ने लोगों के साथ अन्याय किया है, हमें उस प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए। तो यानी किसान भी एक मुद्दा सदन में रहे, लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है, हरिजनों के साथ हुए अत्याचार हमारे पास मुद्दे बहुत। चलिए बेहद शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे कुलदीप शर्मा, कांग्रेस नेता, हमसे बात कर रहे थे। तो मुद्दे कई हैं जो इस विधानसभा में गूंजेंगे। अब ये कितना गूंजते हैं और इनकी तपिश कहां कहां तक पहुंचती है, यकीनन ये देखना दिलचस्प होगा। हवाएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, लेकिन सियासत की जो हवाएं, आरोप प्रत्यारोप की जो हवाएं इस वक्त चंडीगढ़ में हम महसूस कर रहे हैं, ये हरियाणा की सियासत को कौन सा नया रंग देखती है, ये देखना भी दिलचस्प। चलिए बेहद शुक्रिया नवजोत आपका इस तमाम बातचीत के लिए। कुलदीप शर्मा को आप सुन रहे थे। बीजेपी से लेकर आरएसएस और आरक्षण से लेकर एसवाईएल, यहां तक कि फोन टैपिंग के तमाम मुद्दों को लेकर व्यंगात्मक शैली में कुलदीप शर्मा ने निशाना साधा है सरकार पर और सिरे से कहा है कि राज्यपाल अभिभाषण ना पढ़े और हम नहीं तो बॉयकॉट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चलूंगा आसान।